इसके शीट बनाएंगे और इसका जो तरीका है आपने कहीं नहीं देखा होगा, और इसे देखते ही आप भी चौंक जाएंगे। बिल्कुल अलग, बिल्कुल नया तरीका है और आई एम श्योर आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। तो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्प्रिंग रोल की शीट बनानी है। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा सा बोल ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 1.5 कप मैदा। तो यहाँ पर आप घर पे कोई भी कटोरी हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मेजरिंग कप कोई मेजरिंग स्पून का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो चल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए हमने 1.5 कप मैदा ले लिया है, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक लगभग 1 टीस्पून, 2 चम्मच के करीब हम डालेंगे इसमें तेल, और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी डालते वक्त हमें बिल्कुल सावधानी से पानी डालना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप पानी, तो जिस कप से हमने मैदा मेजरमेंट किया है उसी कप से हमें पानी डालना है, और 1 कप पानी डालकर हम इसे मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी कोई लम्स ना रहे और बिल्कुल ये लम्प फ्री बैटर बने। लेकिन आप देख सकते हैं बैटर काफी थिक है, तो हमने यहाँ पर 1/2 कप पानी और लिया है, लेकिन हमें पूरा 1/2 कप पानी इसमें नहीं डालना है, थोड़ा पानी बचा लेना है। मतलब हमने यहाँ पर 1/3 कप पानी का इस्तेमाल किया है और जो पानी बच गया है उसे हम एक साइड रख देंगे, क्योंकि हम आगे एक और तरीके से मतलब एक नई तरीके से एक और शीट बनाएंगे, उसमें हम इस पानी का इस्तेमाल करेंगे, तब हमें बैटर थोड़ा और पतला चाहिए। लेकिन अभी जो हमने आपको मेजरमेंट जो बताया है उतना ही पानी आपको अभी इस्तेमाल करना है ये नए तरीके की शीट बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम इसे अच्छे से फेंट रहे हैं। इस शीट को बनाने के लिए आपको इसे अच्छे से फेंटना है लगभग 5 से 7 मिनट तक, ताकि इस मैदे से जो पूरा ग्लूटेन है वो रिलीज होने लगे और इससे आपकी जो शीट है वो काफ़ी अच्छी बनेगी, काफ़ी पतली बनेगी और इसके स्प्रिंग रोल काफ़ी करारे बनेंगे। तो देखिए अब हमारा बैटर तैयार है, इसे हम रख देंगे, तब तक हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। तो जब तक बैटर सेट हो रहा है तब तक इसकी स्टफिंग के लिए हमने लिया है 1 कढ़ाई, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। अब डालेंगे इसमें हम बारीक कटा हुआ लहसुन गार्लिक लगभग 5 से 7 कलियां है, और लहसुन को हमें अब हल्का भूरा रंग मीन्स लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। जैसे ही ये लाइट ब्राउन होगा हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ मैंने 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई इस्तेमाल की है, इससे हमारी स्टफिंग काफी चटपटी काफी मजेदार बनेगी। अब इसमें डालेंगे हम सब्जियां। तो मैंने यहाँ पर ली है 1 मीडियम साइज की प्याज, आधी हरी शिमला मिर्च आधी लाल शिमला मिर्च, और पहले हम इन 3 चीजों को तेल में 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और आप देख सकते हैं सारी सब्जियों को हमने स्लाइस कट किया है, जूलियन कट किया है, आपको ऐसे ही इसे कट करना है। अब डालेंगे इसमें हम 1 कप कैबेज, मतलब ये पत्ता गोभी है, इसे भी हमने बारीक लंबा लंबा में जूलियन कट किया है, स्लाइस कट किया है, और इसे भी हम लगभग 4 से 5 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर स्प्रिंग रोल बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि सब्जियों को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इसमें हल्का करारा क्रंच हमें रखना है, तभी आपकी जो रोल है वो काफ़ी मज़ेदार लगेंगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1/2 टेबल स्पून डालेंगे सोया सॉस, 4 टेबल स्पून डालेंगे हम टमेटो सॉस, 1/2 टेबल स्पून डालेंगे वाइट विनेगर, अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जैसे ये मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे सबका पसंदीदा इंग्रेडिएंट जो है मैगी। तो मैगी चाहे बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत अच्छी लगती है, और इससे ये स्टफिंग भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पर हमने मैगी को बस उबाल लिया है, इसमें हमने मसाला नहीं डाला है, मसाला हम अब डालेंगे ऊपर से, ताकि जो मसाले की फ्रेश खुशबू है इस स्टफिंग में बहुत ही अच्छे से निखर कर आती है। तो देखिए हमने अब मैगी का मसाला भी ऐड कर दिया है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद बस हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है वरना मैगी ओवर कुक हो जाएगी।
अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि जितने भी हमने सॉसेस इस्तेमाल किए हैं और जो हमने मैगी का मसाला इस्तेमाल किया है, इन सभी में नमक होता है। तो ध्यान से नमक डालें। और स्टफिंग हो गई है तैयार, इसे हम ठंडा होने देंगे, तब तक शीट बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टीमर का पॉट ले लिया है और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे होल हैं। अब हमें इसे उल्टे साइड पलट देना है और इसके ऊपर लगाना है हमें क्लीन रैप। तो यहाँ पर देखिए आज हम बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल अनोखे तरीके से ये शीट बना रहे हैं, जिससे ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इसके स्प्रिंग रोल जो है वो बहुत करारे बनते हैं। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। और जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, उनके लिए मैंने एक और तरीके से स्प्रिंग रोल की शीट कैसे बनानी है वो मैं आगे दिखाऊंगी। तो पहले हम इस तरीके को देख लेते हैं। तो इसे हमें एक उबलते हुए, यहाँ पर मैंने स्टीमर का दूसरा जो पॉट है उसे ले लिया है, इसमें गर्म पानी हमने करने रख दिया है और इसी के ऊपर हमने ये पॉट रखा है जिस पर हमने क्लीन रैप लगाया है और कहीं कहीं के होल को हम खोल लेंगे। अब हम इसके ऊपर ये बैटर को डालेंगे। तो जैसे हम डोसा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको थोड़ा सा बैटर डालना है और इसे फैला देना है। तो देखिए बहुत आसानी से ये फैल जाता है और फैलने के बाद बस जस्ट वंस 1 से 2 मिनट में ही आपकी ये शीट पक जाती है, बिल्कुल इस पर स्टीम लगती है। तो देखिए साइड के एजेस ये अपने आप छोड़ने लगती है और ये बहुत ही पतली, बहुत ही अच्छी शीट बनकर तैयार हो जाती है और स्टीम की हुई शीट बहुत ही ज़्यादा करारी बनती है, मतलब इसके जो स्प्रिंग रोल है वो बहुत ही करारे बनते हैं। तो मैं आपको देखिए अब और 2 से 3 ये शीट बनाकर दिखाती हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये मेथड भी बहुत अच्छा है, इसे भी आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास ये स्टीमर क्लीन रैप हो तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसे तवे पर कैसे बनाना है वो भी देखेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये सारे शीट हम बना रहे हैं, लेकिन इस शीट को बनाते वक्त अगर आपको लगे कि कहीं कहीं पर होल रह गए हैं या फिर कहीं कहीं पर क्रैक्स आ रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा बैटर लेकर इस पर फैला सकते हैं, बहुत आसानी से फैल जाता है और सारे होल हट भी जाते हैं। और देखिए फिर से हमने इसे 1 मिनट के लिए रख लिया और इसी तरीके से सारे आपको शीट बना लेने हैं, लेकिन रखते वक्त आपको हर एक शीट पर मैदा छिड़क कर रखना है और इसके ऊपर कपड़ा हमें ढक देना है, ताकि जो शीट है वो सूखे नहीं। तो आप इस शीट को बनाकर अगले दिन से रख सकते हैं, इसे कुछ नहीं होगा। तो चलिए जिनके घर में अब स्टीमर नहीं है वो क्या करे। तो देखिए जो बैटर है उसमें हमने जो पानी बचा कर रखा था वो डाल देंगे, क्योंकि हमें इस शीट को बनाने के लिए बैटर अच्छा पतला चाहिए, बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी पे चाहिए। तो हमने यहाँ पर पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैं आपको अब दिखाती हूँ कि आपको बिल्कुल पतला बैटर इसका तैयार करना है, क्योंकि आज हम अब जो सेकेंड वाली शीट है उसे तवे पर बनाएंगे। और यहाँ पर आपको नॉनस्टिक तवा या नॉनस्टिक पैन का ही इस्तेमाल करना है इस शीट को बनाने के लिए। तो देखिए हमने तवे को गर्म करने के लिए रख दिया है और तवे के ऊपर आपको ना ही बटर, ना ही तेल, ना ही घी लगाना है, बस ड्राई तवे पर ही आपको ये बैटर को फैलाना है। बहुत आसानी से ये फैल जाता है और इसे पकने के लिए भी सिर्फ 1 मिनट ही लगता है। डालते जाएंगे वैसे ही ये शीट पकते जाएगी और ये शीट बन चुकी है और देखिए बहुत आसानी से ये भी निकल आती है। तो ये देखिए अपनी जो साइड के एजेस हैं वो छोड़ने लगती है और इसी तरीके से आपको सारे रोल्स बना लेने हैं, ये भी बहुत पतले बनते हैं। और सिर्फ 1.5 कप मैदे में आप बहुत सारे शीट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ कि बहुत इजी है ये तरीका भी। तो आपको जो तरीका पसंद आए आप बना सकते हैं इस शीट को। तो घर पर इस तरीके से शीट बनाइए और इसे देखिए इस तरीके से आपको ढककर रखना है। और मैंने पहले ही बताया था कि शीट के हर एक शीट के ऊपर आपको मैदा डस्ट करके ही दूसरे शीट रखते जाना है। अब हम इस शीट को चिपकाने के लिए इसका ग्लू बनाएंगे। तो मैंने 1 टेबल स्पून मैदा
1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और इसमें थोड़ा पानी डालकर हम इसकी स्लरी बना लेंगे। ये स्प्रिंग रोल चिपकाने का ग्लू बन चुका है। अब हमने यहाँ पर एक शीट ले ली है और आप देख सकते हैं कितनी वाइट, कितनी पतली पतली ये शीट बनी है। इसके बीच में हमें रखना है स्टफिंग, तो लगभग 1 से 2 चम्मच बड़े बड़े भरकर हमें ये स्टफिंग डालनी है और साइड में हमें लगाना है ये ग्लू मींस ये स्लरी जो हमने अभी बनाई है, और इसे इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। तो आपको जिस तरीके से फोल्ड करना अच्छा लगता है वो तरीका आप अपना सकते हैं और इसका रोल इस तरीके से बना लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये स्प्रिंग रोल आप होटल से या रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छे करारे घर पर बना सकते हैं। तो देखिए मैंने सारे रोल बना लिए हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए तेल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया था और इसमें हम अब ये रोल डालेंगे और इसे अच्छा करारा कलर या फिर अच्छा सुनहरा रंग आने तक इसे फ्राई करना है। जैसे आप इसे फ्राई करेंगे तो आप खुद ही महसूस करने लगेंगे कि ये बहुत बहुत ज़्यादा करारे हो चुके हैं, क्योंकि हमने जो आज तरीका अपनाया है उससे ये स्प्रिंग रोल बहुत करारे बनते हैं। तो ये देखिए बहुत इजीली बहुत अच्छे से ये स्प्रिंग रोल बन जाते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन अच्छा हाइजीनिक और टेस्टी खाने के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो चलिए, तो ये कितने करारे हैं ये भी देख लीजिए। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसे लगी हमें जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।